शहरे कायद के आवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। कराची समेत सिंध में बारिशों से बहुत तबाही हुई। उम्मीद थी विफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी। हुकूमत इंतशार के बीच बो रही है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। बोले वजीर आजम ने 1100 अरब का मफरूजों पर मबनी पैकेज दिया। पैकेज में इन मंसूबों को शामिल किया गया जो पहले ही शामिल थे। KCR मंसूबा पहले ही इसी पैक में शामिल हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी से मुल्क को खतरा दरपेश है। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। 1100 अरब का एक मफरूजों पे मबनी पैकेज का ऐलान करके कराची के अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। जो मंसूबे कराची पैकेज में शामिल किए गए हैं, ये मंसूबे पहले से PSDP के अंदर शामिल हैं। जो वफाकी हुकूमत ने जंग शुरू की है सूबाई हुकूमत के साथ, मुझे खदशा है कि इससे सिंध के अंदर बदअमनी फैल सकती है। एक तरफ सियासी इंतशार है तो दूसरी तरफ इंतजामी इंतशार है। ये हुकूमत मुसलसल इस कोशिश में है कि पंजाब के अंदर भी पुलिस गर्दी की जाए। हर आने वाले IG को कहा जाता है कि वो PTI के मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। 2 सालों में 5 IG पंजाब के अंदर तब्दील किए गए हैं। जो नए अफसर लगाए गए हैं, मैं इनकी मुद्दत मुलाजमत भी चंद महीने से ज़्यादा नहीं देख रहा। इस वक्त पंजाब को इंतजामी तौर पे मफलूज कर दिया गया है।